Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आप जानते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 146,385 शब्दों वाला विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको लिखने वाले प्रेम बिहारी रायजादा ने इस काम के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातें जानने के लिए देखते रहिए एपिक पीडिया का ये वीडियो। न्यू दिल्ली के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लाइब्रेरी में कड़ी सिक्योरिटी के साथ 30x21x19 इंच डायमेंशन के दो हीलियम से भरे केसेस रखे हैं। इनका टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 30% के करीब मेंटेन किया जाता है। इन खास दो बक्सों में इंग्लिश और हिंदी में लिखी 251 पेजेस की 3.75 किलो वेट वाली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताबें रखी हैं। अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देश को गवर्न और गाइड करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, इसमें 395 आर्टिकल्स थे जिन्हें 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और इसमें 8 स्केड्यूल्स भी थे। 26 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया और तभी से इस दिन को भारत का रिपब्लिक डे मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की शुरुआत 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फॉर्मेशन से हुई। इस असेंबली से 7 एक्सपर्ट्स को चुनकर कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी बनाई गई। इसके मेंबर्स थे अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, देवी प्रसाद खेतान, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपालस्वामी अयंगर और बी एल मित्तर। इस कमिटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में ड्राफ्ट कमिटी की पहली मीटिंग हुई और अगले 2 साल और 11 महीनों तक करीब 167 दिनों तक 11 सेशंस की सिटिंग के बाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया। ऐसा माना जाता है कि इस कार्य को पूरा करने में 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हालांकि नवंबर 1949 में ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम पूरा हो चुका था, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करने के लिए 26 जनवरी का दिन एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट की वजह से चुना गया। ये वही दिन था जब 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वराज की मांग की थी और तब से इसे स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सभी मेंबर्स ने यूनानिमसली 26 जनवरी को इंडिया का रिपब्लिक डे मनाने का फैसला किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया और ड्राफ्ट कमिटी के सभी मेंबर्स ने दोनों भाषाओं में सिग्नेचर भी किए। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेस में छापने के बजाय खास बर्मिंगम से लाए पार्चमेंट पेपर पर हाथों से लिखने का फैसला किया गया। इसे कैलीग्राफी स्टाइल में लिखने का जिम्मा प्रेम बिहारी रायजादा को सौंपा गया। दिल्ली में जन्मे रायजादा ने अपना ग्रेजुएशन सेंट स्टीफन्स कॉलेज से किया था। उन्होंने कैलीग्राफी अपने दादाजी से सीखी थी। जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे इस कार्य के लिए रेम्यूनरेशन पूछा, तब उनका जवाब था, एक पैसा भी नहीं, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसके हर एक पेज पर मैं अपना नाम और आखिरी पेज पर अपना और दादाजी का नाम लिखूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखने वाले वसंत कृष्ण वैद्य थे और कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस पर भारत के इतिहास को चित्रों के रूप में दर्शाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई शांति निकेतन विश्वविद्यालय से पढ़े नंदलाल बोस को। बोस और उनके साथियों ने हरप्पा संस्कृति, अजंता की गुफाओं, चोला एरा के नटराज की छवि, गांधी जी के डांडी मार्च का फेमस इमेज और अन्य ऐसे कई चित्र बनाए जिससे भारत के रिच हेरिटेज का पता चलता है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने 60 अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और उनसे सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया। उदाहरण के लिए इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रीएम्बल यूएसए से, लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रटर्निटी के आइडियल्स फ्रांस से,
और राइट टू लाइफ जापान से लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी ताकत इसका डायनामिक नेचर है। बदलते समय के साथ इसका इंटरप्रिटेशन और अमेंडमेंट्स के थ्रू इसमें बदलाव लाया जा सकता है। इन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी होनी जरूरी है। इसके बावजूद भारत और उसके लोगों के विकास और खुशहाली के लिए इस आइकॉनिक डॉक्यूमेंट में दुनिया के बाकी देशों से सबसे अधिक अमेंडमेंट हुए हैं। अप्रैल 2022 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। इस देश के लोगों को यूनिटी के साथ जोड़े रखने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी की वजह से आज भारत विश्व का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है।